बड़ा फाइन ऑफ डिफरेंशिएशन ये है कि एक तो आप फिक्शन बनाते हैं, फिक्शन के अंदर आप लिबर्टीज ले सकते हैं, लेकिन जब आप हकीकत पे पिक्चर बनाते हैं, जैसे IC 814 अभी हाल में रिलीज हुई थी, उसको लेकर के एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई कि जो हाईजैकर्स थे, अपहरणकर्ता थे, उनके नाम जो थे मुस्लिम थे और उनको हिंदू क्यों किया गया। ये रियलिटी है, इसके अंदर अगर आप खिलवाड़ करेंगे तो एक आपका इंटेंशन नजर आता है कि आप एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को डिफेंड करना चाहते हैं। तो ये जो इस प्रकार की बातें होती हैं वो डिफरेंशिएशन है। अगर आप सच्चाई पर पिक्चर बना रहे हैं और उसके अंदर आप किरदार के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं तो उसके मतलब ये है कि आप एक, अब आप एड्स भी उठा के देख लीजिए, किस प्रकार से अमूल का एड विड्रॉ करना पड़ा, इसी प्रकार से रेड लेवल का एड उनको जो है चेंज करना पड़ा, और तमाम ऐसी पिक्चरें हैं, जैसे लक्ष्मी बॉम्ब था, आपको बॉम्ब, आपको और कोई टाइटल नहीं मिला, लक्ष्मी बॉम्ब, राधा सेक्सी, मतलब दुर्गा जी सेक्सी दुर्गा। अब मैं तो आपको बताते पूरा प्रोग्राम लगातार हिंदुओं के भावनाओं को ठेस पहुंचाया, और आप उसके बाद उसका अभिव्यक्ति की आजादी का लेकर के आप एक 10 सेकंड नोट दीजिए। एक पिक्चर थी प्रॉफिट, मैसेंजर ऑफ प्रॉफिट, ईरानी डायरेक्टर थे, उस पिक्चर को हिंदुस्तान ने रिलीज नहीं करने दिया। डाविंची कोर्ट थी क्रिश्चियन पे, डैन ब्राउन की, उसके ऊपर लगातार यहाँ पर जो है लगातार कोर्ट में गए और उसके मुखालफत की जलाए गए। तो इस प्रकार के जहां पे जो है तन से जुदा जरा सी इतनी सेंसिटिविटी हो, आप दूसरे मजहब पर जब इस प्रकार की मजाक बनाइए कि सेक्सी दुर्गा, MF हुसैन जो है दुर्गा सरस्वती उनके फोटो जो है उनके उसमें बनाते हैं बिकनी के ऊपर, तो इस प्रकार की जो बातचीतें हैं ये वामपंथी इतिहास की मनोविज्ञान को दर्शाता है। जी जल्दी से शहजाद खान के पास जाना है मुझे। देखिए अभी जो मैं समझाना चाह रही थी, मुझे लगता है मुझसे पहले जो पैनल थे उन्होंने बोल दिया। अभी उन्होंने लक्ष्मी बॉम्ब बोला, जिसका नाम बाद में चेंज होकर के लक्ष्मी हुआ, तो कहीं ना कहीं अक्षय कुमार ने भी लक्ष्मी पिक्चर बनाई, लक्ष्मी पिक्चर में काम करा। तो मैं ये नहीं कह रही कि आप जो हमेशा कहते हैं कि एक ही धर्म को टारगेट किया जाता है, तो अक्षय कुमार ने भी ऐसी पिक्चर में काम किया जो भावनाएं आर्ट कर रही है। आप इससे पहले कह रहे थे कि मुसलमान किरदार को बहुत अच्छा दिखा देते हैं और हिंदू किरदार नहीं, हिंदू के देवी देवताओं को टारगेट कर रहे हैं। आपका ये कहना था ना सनातन धर्म एक सॉफ्ट टारगेट बन गया है आजकल, किरदार बहुत अच्छा दिख जाता है। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ शहजाद खान जी, और दूसरी बात, ये इन्होंने पिक्चर की बात करी IC 814 की, ये IC 814 के फैक्ट्स में क्लियर कर दूं कि कांग्रेस के जमाने में, कांग्रेस के वक्त पे उन्होंने इतने सारे टेररिस्ट पकड़े और भाजपा की सरकार ने क्या कर दिया, सारे टेस्ट को छोड़ दिया, सारे टेररिस्ट को छोड़ने का। अब लोग आपके पास आती हूँ शहजाद खान जी, बॉलीवुड का ये ट्राइड और टेस्टेड फॉर्मूला है क्या कि अगर आप सनातनियों को सॉफ्ट टारगेट पर रखेंगे तो आपकी फिल्में हिट होंगी, आपको ज्यादा उसमें फेम और नेम मिलेगा? आखिर क्यों, दूसरे धर्मों में भी तो काफी आडंबर हैं, अब उनको हम चिन्हित करेंगे तो उस पर भी बवाल हो जाएगा। आप खुद समझदार हैं, उन बुराइयों को, कुरीतियों को क्यों नहीं दिखाया जाता, उनको क्यों छिपाने का काम होता है? शहजाद खान जी देखिए, ये धर्म वरम ये सब कहां से आ जाता है मुझे समझ में नहीं आता है। अनु कपूर जी, इनसे अनु कपूर जी से पूछिए कि इनकी जिंदगी भर की कमाई 5 करोड़ रुपए, इनका पड़ोसी कोई कंबोज नाम का बंदा था या वो खा गया, वो क्या मुसलमान था? और फिल्म जो है, एज हमारे पैनलिस्ट ने कहा राइटली, जो है वो राइटर लिखता है, स्क्रीन प्ले होता है, डायरेक्टर उसको डायरेक्ट करता है, वो मेजॉरिटी तो हमारे हिंदू भाई होते हैं। जब उनको, और सेंसर सबसे मेन चीज, जब सेंसर बोर्ड को प्रॉब्लम नहीं है तो फिर आप लोग ये सब चीजों को लेके, वो भी एक अनु कपूर की अपना इंटरव्यू को तो आप लोग इतना बड़ा लार्जर देन लाइफ इशू बना दिया है, इज इट वर्थ इट? सर बात यहाँ पर अनु कपूर या रितु कपूर की नहीं है, किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं है, हिंदू समाज की तरफ से बार बार विरोध किया गया है कि हमारे देवी देवताओं का अपमान क्यों बार बार उनके ऊपर उंगली उठाई जाती है और उनको गलत तरीके से दर्शाया जाता है, कभी स्मोकिंग और कभी कुछ और। सर भावनाओं को ठेस पहुंचती है ना, जितने भी टेररिस्टों को मुसलमान दिखाया जाता है तो उसका जवाब है आपके पास, सच्चाई है सर, वो सच्चाई के हिसाब से होता है, दैट इज क्रिएटिव लिबर्टी, वो सच्चाई है। वो सारे आप देखिए कहां से आते हैं, के पड़ोसी देश पाकिस्तान से आते हैं ना, भाई उनके आका बैठे हैं जी, अब वहां से कोई हिंदू तो नहीं आएगा ना, हिंदुस्तान पर वार करने कौन पाकिस्तान से आता है? यहाँ पर खुद एक पार्टी है जो इतने बड़े टेररिज्म और वो शहजाद भाई, यहाँ पर अभी भाई शहजाद भाई किसी और जी शहजाद भाई किसी और मजहब पे सेक्सी के बाद नाम लिख दीजिए, फिर देखिए क्या तमाशा होता है, लिख दीजिए सेक्सी
वो किसी हिंदू लड़की ने बनाई ना, वो किसी मुसलमान लड़के ने तो नहीं, लड़की ने तो नहीं बनाई, वो किसी हिंदू लड़की ने बनाई। हिंदू लड़की और ऐसे कई इशू ये है कि आपकी आइडियोलॉजी क्या है, ये वामपंथियों की जो आइडियोलॉजी है उसको थोपा जा रहा है। वामपंथी जो हैं वो यहाँ देश के बारे में कम सोचते हैं, उनका एक अंतरराष्ट्रीय पर्सपेक्टिव है और उनसे जुड़े हुए बहुत से लोग हैं जो इस प्रकार की पिक्चरों को वेस्ट पे और वेस्ट में उसका बहुत बड़ा बोलता है। तो एक इसका एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम है शहजाद भाई, आपको बर्थडे बहुत बहुत शुभकामनाएं, लेकिन आपको इसके डीपर लेयर पे जाना पड़ेगा क्योंकि ये एक साजिश है। शहजाद खान जी मेरी बात सुनिए, मानवी कुछ कहना चाह रही, मानवी तनेजा अगर हम हिंदू समाज की बात करें, हटा दीजिए बॉलीवुड, हटा दीजिए किसी की प्रतिक्रिया, बार बार ये कहा जाता है कि अपमान सिर्फ हिंदू भगवान देवी देवताओं का किया जा रहा है, आखिर क्यों उनको टारगेट पर लिया जा रहा है? कभी मंदिरों में दिखा रहे हैं कि गलत काम हो रहा है, पुजारियों पर उंगली उठ रही है, आश्रमों पर उंगली उठ रही है, अरे दूसरे धर्मों के भी तो और धार्मिक पूरे मंदिर के अलावा हम किसी को टारगेट नहीं कर रहे हैं, वहां पर भी तो बहुत कुछ होते हैं ना, आडंबर पूरे दुनिया भर के हो रहे हैं, उनको कभी नहीं दिखाया जाता पिक्चर जी। देखिए दो चीज, दो बातें यहाँ पे बोलूंगी, एक तो डिमांड एंड सप्लाई, जिस चीज की डिमांड होती है उस चीज की सप्लाई। क्या डिमांड है अभी समाज में, क्या डिमांड है? रिलीज हुई, लोगों को बहुत पसंद आई, लोगों ने हेट करी। एक मिनट देखिए, बीच में मेरा पूरा थॉट सुन लीजिए आप। पीछे पिक्चर कहीं ना कहीं रिलीज हुई, लोगों को पसंद आई, लोगों ने उसे हिट करी, तभी प्रोड्यूसर्स को इंकरेजमेंट मिली दोबारा ऐसी पिक्चर बनाने की। दूसरी अभी आपने बात करी आश्रम की, जो समाज में हो रहा है पिक्चर उसी चीज पे बन रही है। अब बताइए कौन सा जो बाबा है जो अपने आपको सो कॉल्ड महाराज बोलता है, भगोड़ा है, कौन सा महाराज है जो अपने आपको महाराज बोलता है, वो पेपरोल में बाहर आ जाता है, कौन सा महाराज? और कई मौलवी भी तो ऐसे हैं जो बच्चियों को ले जाते हैं, बरगलाते हैं, हालांकि रस्मों को करते हैं। पिक्चर कहीं ना कहीं समाज, मुझे ये बताइए, नहीं वो भी तो खबरें आती हैं जी, कई सारे मामले पर मौलवी बच्चियों को, छोटी बच्चियों को, अरे अपने खून के रिश्तों को नहीं छोड़ते हैं, जेल से पीछे पाए जाते हैं, वो मामले आपको उसी पे बनती है ये पिक्चर, और इनके पेट में दर्द हो जाता है, आपके तमाम पैनल के पेट में दर्द हो जाता है, आश्रम जैसी किस बात का पेट में दर्द हो जाता है? क्यों नहीं, ये तो क्या क्या पेट में किस बात का दर्द हो जाता है आपको पता लग जाएगा? कितने सारे बाबा, कितने हिंदुओं को लेकर फोबिया कहाँ पर है? हमारी हरकत करी है, कोई किस बात पर पैनल को दर्द हो जाता है? एक मिनट अभी इनके अभी जाकिर नायक ने क्या बोला है जरा बताइए, सुनिए जाकिर नायक ने क्या बोला है। जाकिर नायक ने बोला है कि अगर 20 मिनट तक कोई आदमी एंकर को देख रहा है और उसको कुछ खलबली नहीं होती है तो उसको किसी चिकित्सक के मेडिकल प्रोफेशनल के पास जाना चाहिए। इस प्रकार की बातें कर रहे हैं ये लोग, मतलब आप किसी मजहब पर सेक्सी लिख के दिखा दीजिए, मैं मान जाऊं, मैं गारंटी कर रहा हूं अगर आपकी हिम्मत हो, जो आप इस प्रकार के अभिव्यक्ति की आजादी कर रहे हैं और धर्मों में मजहबों में खून के रिश्तों को नहीं छोड़ा जाता, छोटी बच्चियों को नहीं छोड़ा जाता, कैसे कैसे उन्हें बरगलाया फुसलाया जाता है सबके सामने है, लेकिन उसको नहीं दिखाया जाएगा। बॉलीवुड में वैसा कॉन्टेंट नहीं परोसा जाएगा, क्रिएटिविटी के नाम पर सिर्फ हिंदू सॉफ्ट टारगेट है, वक्त की कमी है। आप सभी का बहुत शुक्रिया, लेकिन सवाल जस का तस बना हुआ है कि गंगा जमुनी तहजीब के नाम पर जब बड़ी बड़ी बातें होती हैं तो धरातल पर क्यों नहीं दिखता है? क्यों बॉलीवुड में बार बार सनातनियों का अपमान किया जाता है? क्या इसी तरह का कंटेंट परोसा जाएगा और फिल्मों को हिट करने का यही तरीका रहेगा, यही चलेगा? इस पर भी लगातार सवाल उठ रहा है और ये सवाल हिंदू समाज की तरफ से उठ रहा है क्योंकि उनकी आस्थाओं पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, उनको ठेस पहुंचाई जा रही है।